नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो शाहरुख खान की अगली फिल्म आ रही है डंकी, जो कि क्रिसमस पे रिलीज है, जिसके निर्देशक राजू हिरानी हैं, और क्या ये फिल्म मासेस को पसंद आएगी। मैं ऑनलाइन काफी देख रहा हूँ कि राजू हिरानी इज अ स्लाइटली मल्टीप्लेक्स मेकर, मल्टीप्लेक्स अर्बन, ये वो फलाना ढिमकाना, तो मासेस ये फिल्म नहीं देखेंगे या फिर छोटे शहरों में ये फिल्म नहीं चलेगी। छोटे शहरों में शायद ज्यादा आपको सलार को देखने को मिलेगा, सिंगल स्क्रीन में प्रोलिफरेशन सलार का ज्यादा रहेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। इधर आ गया, बहुत सारी बातें हो रही है, तो इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे कि क्या सिंगल स्क्रीन और मास की ऑडियंसेस को वो डंकी पसंद आएगी। दोस्तों, राजू हिरानी की इसके पहले की जो फिल्म थी वो थी संजू, और संजू के पहले उन्होंने बनाई थी पीके, पीके के पहले उन्होंने बनाई थी थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स के पहले उन्होंने बनाई थी लगे रहो मुन्ना भाई, उसके पहले उन्होंने बनाई थी मुन्ना भाई एज अ डायरेक्टर। राजू हिरानी इज वन ऑफ दोज रेयर डायरेक्टर्स दैट हैज अ कंप्लीटली क्लीन रिकॉर्ड, सुपरहिट्स, ब्लॉकबस्टर्स, 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 200 करोड़ क्लब विद थ्री इडियट्स, उसके बाद में फिर 300 करोड़ क्लब विद पीके, उसके बाद में फिर उनकी फिल्म आती है संजू, जबकि प्रॉबेबली रणबीर वॉज एट द लोएस्ट फेज ऑफ हिज करियर। शायद लोग उनके स्टारडम पे, उनके एक्टिंग पे, उनके टैलेंट पे डाउट कर रहे थे, तब राजू हिरानी ने उनके साथ एक फिल्म बनाई जिसमें कि उनके बहुत करीबी दोस्त और शायद पहली फिल्म में उनके साथ काम करने वाले संजय दत्त के साथ उनका बहुत अच्छा इक्वेशन है, उनकी जिंदगी पे आधारित उन्होंने एक फिल्म बनाई अपने दोस्त के लिए, और उसमें उन्होंने रणबीर कपूर को रोल दिया, और उस फिल्म ने भी लगभग 330-340 करोड़ का बिजनेस किया, विच वॉज एन अमेजिंग 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 ब्लॉकबस्टर कंसिडरिंग दैट रणबीर वॉज गोइंग थ्रू सच अ रफ फेज। तो उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार किया। तो राजू हिरानी कोई फ्लूक डायरेक्टर नहीं है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ये कोई मतलब पिक्चर बन गई उस टाइप की नहीं है। देर राजू हिरानी पांच बार कोई आदमी लकी नहीं हो सकता है, और इनकी फिल्मों के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है कि ऑल हिज फिल्म्स हैव बीन लाइक्ड बाय द ऑडियंसेस, दे जस्ट हैवंट मेड मनी। कुछ कभी कभी होता क्या है कि पिक्चरें चल जाती हैं पर वो अप्रिसिएशन नहीं आता है, बट राजू हिरानी के पिक्चरों के साथ होता क्या है कि अप्रिसिएशन भी आता है भर भर के, और माल भी आता है भर भर के। तो दिस इज अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन विच प्रोबेबली वेरी फ्यू डायरेक्टर्स आर ब्लेस्ड टू हैव, दैट यू आर गेटिंग लव, अफेक्शन, क्रिटिकल अक्लेम एज वेल एज रिवॉर्डेड फाइनेंशियली ऑफ फिल्म्स आर ब्लॉकबस्टर्स। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है। मुद्दे पे आते हैं, मासेस देखेंगे कि नहीं देखेंगे? भाई साहब 100% देखेंगे मासेस। क्यों नहीं देखेंगे मासेस? क्यों नहीं देखेगी सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस? मैं आपको बताता हूं, मैं तो बिहार के एक बहुत छोटे से शहर में सिनेमा चलाता हूं। मेरा बिहार के हिसाब से भी टियर थ्री टाउन है। अगर पटना टियर वन माने, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर को टियर टू माने, तो पूर्णिया टियर थ्री में आएगा बिहार में। तो पूर्णिया में संजू ने कमाल का बिजनेस किया था, और 100% के लगभग की ओपनिंग लगी थी संजू को पूर्णिया जैसे शहर में। जी हाँ, इट वॉज हाउसफुल संजू। तो आप और पीके भी कमाल का बिजनेस किया था पीके ने हमारे यहां पे। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि मासेस पिक्चर देखते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि राजू हिरानी को कोई भूला नहीं है, दे नो हु राजू हिरानी इज। और जो टिकट बाइंग ऑडियंस होती है ना भैया, वो बहुत स्मार्ट होती है, आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते, उनको एग्जैक्टली पता है क्या चल रहा है। और इस बार राजू हिरानी के साथ है शाहरुख खान, जो कि कहीं कहीं पे चर्चा ये भी होती है कि मुन्ना भाई जो फिल्म थी वो शायद शाहरुख के साथ वो बनाना चाहते थे पहले, लेकिन किसी कारण के साथ वो बन नहीं सकी, एंड हेंस ही हैड टू गो फॉर संजय दत्त, और वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और वो बन नहीं पाई। नाउ दे आर बैक अगेन कि भाई वी आर बैक अगेन विद दिस फिल्म विद शाहरुख खान। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये फिल्म में शाहरुख खान जो है वो जवान के बाद शाहरुख की जो एंट्री हो रही है, और उसके पहले पठान, और बीच में फिर वो टाइगर में आके भी थोड़ा सा लोगों का मनोरंजन करेंगे। सुनने में आया है कि 15-20 मिनट का उसमें भी उनका कैमियो है टाइगर 3 में। तो शाहरुख खान आफ्टर ऑल दीज ब्लॉकबस्टर्स इज ऑन अनदर लेवल। आई मीन वो आज की डेट पे मतलब ही इज एट अनदर लेवल। तो
आज मासेस जो हैं वो शाहरुख कुछ भी करेंगे अब तो वो तो 100% देखने आएंगे भैया। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि ओ डंकी इज अ क्लास पिक्चर, ओ डंकी विल ओनली वर्क इन बॉम्बे, ओ डंकी विल ओनली वर्क इन दिस प्लेस। नो, डंकी का थीम जो है, जो ट्रीटमेंट जो होगा राजू ईरानी, देखिए राजू ईरानी शाहरुख खान को ले रहे हैं तो कुछ सोच के ही ले रहे होंगे ना कि भाई उनको शाहरुख खान की जरूरत क्यों पड़ी है, बिकॉज प्रोबेबली ही वॉन्ट्स टू रीच टू अ मच वाइडर ऑडियंस देन वॉट ही वॉज एस्पायरिंग विद, और ही वॉन्ट्स टू गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, और वाई ही हैज चोजन शाहरुख खान फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। और आज शाहरुख जो बॉक्स ऑफिस सक्सेस दे चुके हैं दो फिल्मों से, पठान से और जवान से, ही इज अनदर लेवल नाउ। तो मासेस तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सिंगल स्क्रीन में भी प्रेफरेंस लोग बिल्कुल देंगे, ये पिक्चर बहुत स्पेशल पिक्चर आ रही है। और देखिए होता क्या है ना कि जो लेजेंड होता है किसी आदमी का, जो ब्रांड होता है, वो दिन पर दिन अच्छे ब्रांड्स ग्रो करते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि डीग्रोथ हो जाता है। कि वो, कुछ लोगों ने कहा कि वो कोविड के बाद में राजू आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हिज लेजेंड हैज बिकम इवन बिगर। आज आप क्रिस्टोफर नोलन को देख लीजिए ना, उनका लेजेंड आफ्टर कोविड हैज बिकम इवन बिगर। हिज ओपनहाइमर द काइंड ऑफ बिजनेस इट डिड। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये फिल्म भी राजू हिरानी की बिगेस्ट एवर होने जा रही है। तो बिगेस्ट एवर का मतलब क्या होता है कि अगर 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 संजू आज के डेट पे रिलीज होती तो मेरे ख्याल से 450-500 करोड़ का धंधा तो आराम से निकाल लेती, क्योंकि 340-335 करोड़ तो उसने उसी समय कर लिया था जब पीके आमिर खान के साथ उन्होंने उतने पहले 335 करोड़ मारा हुआ है। तो आज के 2023 में शाहरुख खान के साथ में आपको क्या लगता है वो धंधा नहीं करेंगे पिक्चर का? बिल्कुल करेंगे सर। और मासेस क्या, एवरीबडी विल कम, वांट टू कम एंड वॉच डंकी। सो अगर किसी को भी मन में डाउट है कि डंकी क्लास देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, डंकी सब कोई देखेगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सिंगल स्क्रीन हो, मल्टीप्लेक्स हो, गोल्ड क्लास हो, फ्रंट बेंच हो, एवरीवन विल वांट टू वॉच डंकी। जस्ट लेट द प्रमोशन स्टार्ट एंड लेट द ट्रेलर कम आउट। टेक माय वर्ड फॉर इट, इतना तजुर्बा हो गया, बाल सफेद हो गए, मैं इतना आपको बता सकता हूं कि डंकी हर एक वर्ग के लोग देखने आएंगे और देखने में इंटरेस्ट रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आया है तो शेयर भी कर दीजिएगा।